You are watching Poonch Live. आराम नाजर, मैं हूं सुहेल दार और आप देख रहे हैं पूंछ लाइव। आज पूंछ के दिगवार में एक मैजिक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 16 लोग जो है वो सवार थे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। डॉक्टर के मुताबिक इनमें से 4 लोग जो है वो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं और 12 लोग जो है वो उनको माइनर इंजरीज आई है, जिनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ में चल रहा है। जो ऑटो में सवार थे उनसे जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि एक तो इसमें ओवरलोडिंग थी, दूसरा उन्होंने बताया कि ऑटो काफी स्पीड से चल रहा था जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। गाड़ी पहले नीचे गिर गई थी, वो वहां से बहुत तेज चलाई उसने, तो फिर आगे गए तो मोड़ में बस कुछ पता नहीं चला, बस गाड़ी नीचे हो गई, बस नीचे की साइड में चली गई। तो आगे दरख्त तक आया, उसने जब गाड़ी जब लगी जाकर तो वहां से हम निकल गए, अल्लाह ने बचा लिया, शुक्र अल्लाह का। कितने लोग बैठे हुए थे? पता नहीं 12-15 आदमी थे, आगे भी थे 4 आदमी बैठाए हुए थे उसने, तो पीछे भी थे, पूरी सवारी पीछे भी थी, 4-8-9-10 आदमी पीछे थे, आगे भी थे 4, तो उसने तो रुलना ही था, क्या करें, हमारी जान गई थी, अल्लाह ने बचा दी। मामा स्केल है सर, गाड़ी जा रही थी, मैं मदर मेरी बैठाई, मैंने मामा बैठाया, ये गए रास्ते में, तकरीबन 17-18 सवारी थी, तेज बहुत चल रहा था, लेके गए जो ये नहीं है जिस पार सर का बैठा उससे, उधर से गाड़ी नीचे चली गई, तो जख्मी हुए हैं, बाकी जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, जख्मी सभी हुए हैं, ओवरलोडिंग था और तेज था इस वजह से वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। हाँ, इलाज वगैरह चल रहा है, यहाँ पे आ गया, हम इलाज पट्टी वगैरह किया, टांग स्टेच वगैरह लगा दिया। ये आज सुबह 8-8:30 के दरमियान की बात है, ये कोई टेम्पो जा रहा था गुलपुर साइड में, दिगवार साइड में, तो ये एक्सीडेंट हो गया जिसमें 16 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। 8:30 बजे हमारे पास 16 लोग लाए थे इन्होंने, उनको हमने मैनेज किया, इनमें से 4 लोग जो हैं, एक को हेड इंजरी थी, एक ब्लंट ट्रामा चेस्ट था, एक ब्लंट ट्रामा एब्डोमन था, एक स्पाइनल इंजरी। 4 लोगों को छोड़कर जो 12 लोग बाकी थे उनको माइनर इंजरीज, खराश राशि ये वो था, छोटी मोटी कोई उनको ब्लंट ट्रामा वगैरह था, वो सारे मैनेज हो गए। और वो 4 जो सिक थे वो भी अभी हमने रखे हुए हैं, उनका हमने फर्स्ट मैनेजमेंट कर दिया है, तो अभी तक डॉक्टरों को चेक करने से उन्होंने कहा कि अर्जेंट किसी को रेफरल की ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल हमने यहाँ रखे हैं, 1-1.5-2 घंटे के बाद फिर असेस करेंगे, अगर कोई हुआ बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक थैंक्स गॉड के सारे सेफ हैं।